देखो भाई दोस्तों, कल था 15 अगस्त और मेरे यहाँ पर पतंगे उड़ाई जाती हैं 15 अगस्त के दिन फरीदाबाद में। ठीक है, बहुत सी जगहों पे अलग अलग बसंत पंचमी जैसे टाइप के टाइम पे भी उड़ाई जाती है, कहीं जगह दशहरे पे उड़ाई जाती है, पर मेरे यहाँ उड़ाई जाती है 15 अगस्त को। और कल प्लास्टिक के मांजे से मेरा कुछ नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो देखो, जैसे कि यहाँ एक पेड़ पौधा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये दो टहनियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये थी मेरे टिकोमे के पौधे की टहनियाँ, ये उग रहा था यहाँ इस गमले में, और वहाँ आपको एक खड़ी टहनी दिख रही होगी, तो वहाँ से ये टूटा है प्लास्टिक के मांजे की वजह से। तो एक नुकसान तो मेरा ये हुआ, और दूसरा नुकसान कुछ नुकसान जैसा तो नहीं हुआ, पर उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऊपर जो लग रही है मेरी गिलोय की बेल है, तो जगह जगह से इसके काफ़ी सारे पत्ते झड़ के गिरे हैं, झड़ के नहीं कट के, जैसे कि पीछे देख रहे होंगे और इधर देख रहे होंगे, और यहाँ एक पत्ता पड़ा है, तो ये नुकसान हुआ है प्लास्टिक के मांजे की वजह से। ठीक है, और ऊपर चल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, दूसरा नुकसान हुआ है मेरा चंपा के पेड़ में। यहाँ पे से एक किल्ला निकला हुआ था, ऐसे ही इतनी बड़ी टहनी थी जिसकी वजह से घना होने वाला था, तो वो कट के टूट के गिर गया, जिसको मैंने फ़िलहाल लगाया है यहाँ इस कोने में लगाया है मैंने। देखते हैं उग पाएगा या नहीं उग पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा छोटा है वो। ठीक है, एक उधर लगाया। दूसरा मेरा नुकसान हुआ है जो कि नहीं भी हुआ, देखो ये एक और मेरा ये रेड चंपा का पौधा है, ये थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इस वाली टहनी में यहाँ से मांजा कट के गया है यहाँ तक, 70% इसको काट चुका है वो, पूरा काटने से तो मैं बच गया क्योंकि मैं मौके पे उपलब्ध था, तो मैंने उसको अब टेप से चिपकाया, देखते हैं चिपकता है नहीं चिपकता। वैसे मुझे तो लगता है कि चिपक जाएगा अगर हिलने से बच गया तो, ये ठीक है, कस के मैंने टेप के 3-4 राउंड लगा दिए। और बाकी छोटे मोटे काफ़ी नुकसान हुए, जैसे कुछ टहनियाँ कट के गिरती रही, कुछ पत्ते कट के गिरते रहे, ठीक है, वो कोई ख़ास बड़े नुकसान नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा मेरा नुकसान यही हुआ है कि मेरा टिकोमा का पौधा जो था वो पूरा का पूरा लगभग 80% नष्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मौसम अच्छा चल रहा है, तो देखते हैं कि वहाँ से नए शूट्स निकल जाएंगे अब जहाँ तक मैंने काटी है, और उससे ऊपर उसका मज़ा आने लगेगा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैं इस टूटे फूटे जो मेरा पौधा है इसकी मैं कटिंग लगाऊंगा, और देखते हैं क्या हिसाब रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और किसी भी ज़रूरतमंद के साथ वीडियो को शेयर कर लेना। और हाँ, प्लास्टिक के मांजे से सावधान रहना, क्योंकि ये पौधों के साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान करता है। वैसे तो ये काफ़ी मात्रा में बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी दुकानदार पुराना स्टॉक अपना बेच रहे हैं जो भी उनके पास है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।